महाराणा प्रताप स्वाभिमान, स्वतंत्रता और सच के साथ हमेशा रहना। छुपाने की बात नहीं है, लेकिन जैसे कोई छुपाने की तो ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन आगे जाके कहने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अभी लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप सरकार का हिस्सा बनना चाहते हैं? देखिए, लोगों के ऊपर, लोगों को लगे कि करना चाहिए तो फिर सीरियसली बात लें। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। अभी हम नाथद्वारा में हैं, नाथद्वारा में न्यू कॉटेज, मेवाड़ पूर्व राजघराने के विश्वराज सिंह जी हमारे साथ में हैं, मेवाड़ राजघराने के सदस्य हैं। उनसे आज रूबरू कराते हैं जो कि महाराणा प्रताप के वंशज हैं। उनसे जानते हैं कि सबसे पहले एक महाराणा प्रताप जो आदर्श हैं, पूरे विश्व में आदर्श पुरुष हैं, उनका नाम अगर देश दुनिया में लेते हैं तो हर किसी के मन में एक राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र के लिए समर्पण की भावना आ जाती है। और आप उस परिवार से हैं, महाराणा प्रताप, उदय सिंह और उस राजघराने से हैं, तो आपको इस कुल में जन्म लेने से आपको क्या महसूस होता है? आप महसूस की बात करते हैं तो गर्व तो होता ही है और साथ ही जिम्मेदारी का एहसास भी होता है। और जैसे आप कह रहे हैं कि महाराणा प्रताप का नाम लेके सबको ऐसी भावना आती है, तो महाराणा प्रताप की जयंती भी हाल ही में हुई है और उस समय भी मैंने कहा था कि महाराणा प्रताप जयंती के जो कार्यक्रम होते हैं वो उनमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, देश में भी विदेश में भी। लेकिन साथ ही साथ के जो लोग महाराणा प्रताप के जो असूल हैं उनको अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उनमें भी बढ़ोतरी हुई है कि नहीं है? उनमें भी बढ़ोतरी होती है तो हम कह सकते हैं कि ये सही तरह से महाराणा प्रताप को एक श्रद्धांजलि है। मुख्य रूप से जब केवल महाराणा प्रताप को अगर देखें तो उनके जो आदर्श हैं, अपने संसद में भी उनकी प्रतिमा है, अलग अलग राज्यों में भी मुख्यतया है, तो क्या ये जो फैलाव अपने स्थानीय स्तर पर मेवाड़ में या केंद्र सरकार या राज्य सरकारें उनको उतना तवज्जो या वो चीज़ें मिल पा रही है, आपको क्या लगता है? जैसे मैंने कहा कि कार्यक्रम तो बढ़ रहे हैं महाराणा प्रताप जयंती पर, लेकिन सही तरह से श्रद्धांजलि है जब उनके उद्देश्य को अपनाने की भी कोशिश की जाए। सिर्फ कार्यक्रम ही रखें तो ठीक है, गर्व की बात है ही है, लेकिन सही श्रद्धांजलि तो अपना उद्देश्य को सही तरह से अपनाने की कोशिश करें तभी होगा। अपने मेवाड़ राजघराने के या उनके महाराणा प्रताप के मुख्य क्या आदर्श जो थे, वो आदर्श हर समाज को, आम जन को अपनाने की ज़रूरत है? सही आदर्श जो थे, मोटे तौर पे अगर हम सोचें तो महाराणा प्रताप स्वाभिमान, स्वतंत्रता और सच के साथ हमेशा रहना। और उन्होंने लड़ाई का निर्णय लिया तो भी निर्णय तब लिया जब बाकी सब रास्ते बंद थे, और उन्होंने स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, ना कि कोई निजी बेनिफिट के लिए। और महाराणा प्रताप सब कौम को, सबको साथ रख के चलते थे आगे, उनका वही विश्वास था। और बाकी जो उन्होंने अर्थशास्त्र में जो इकोनॉमिक्स बात में उनके में उसमें भी डिसिप्लिन था, क्योंकि महाराणा प्रताप की लड़ाई करीब 20 साल से ज़्यादा चली, तो विदाउट इकोनॉमिक डिसिप्लिन तो इतनी लंबी लड़ाई मुमकिन ही नहीं है। और अगर ये तो भले निजी कोई नागरिक हो, देश हो, शहर हो, तब तक आप इकोनॉमिक डिसिप्लिन नहीं रखेंगे तब तक स्वतंत्रता तो हो ही नहीं सकती और खुशहाली तो और भी दूर है। एक व्यक्तिगत आपके थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि आपकी एजुकेशन कहाँ हुई और पारिवारिक प्रश्न थोड़ी सी। एजुकेशन, पढ़ाई तो मेरी बम्बई में ही हुई और पढ़ाई के बाद कुछ एक दो साल दिल्ली में मैं रहा हूँ, उसके बाद में ज़्यादातर उदयपुर और थोड़ कुछ समय के लिए बम्बई, क्योंकि भरसा बम्बई में भी पढ़ते हैं। एक जब एजुकेशन के टाइम या कॉलेज लाइफ के दौरान आप स्कूल में, कॉलेज में, जहाँ पे भी रहे हो, तो वहाँ ऐसी कभी एसोसिएशन बनी कि यार ये तो महाराणा प्रताप के वंशज हैं, तो दूसरे भी एक क्यूरियोसिटी जो रहती है वन स्टूडेंट? हाँ, जब लोगों को पता पड़ा तो कुछ तो क्यूरियोसिटी होती है, क्योंकि बड़े शहर का माहौल थोड़ा अलग है, तो क्यूरियोसिटी तो होती है। लेकिन आगे जाके तो मैंने कभी नहीं कहा कि मैं इस परिवार का हूँ, जब जिनको अलग। आपने छुपाने का प्रयास किया? छुपाने की बात नहीं है, लेकिन जैसे कोई छुपाने की तो ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन आगे जाके कहने की भी ज़रूरत नहीं है। नहीं, लेकिन यूँ है जैसे कि VIP या एक भीड़ बार आ जाए या ऐसा कभी इस तरह की सिचुएशन के लिए आपने किया?
नहीं ऐसे भगवान का आशीर्वाद है, सुरक्षा की तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप देख रहे हैं यहीं पे भी ऐसे कोई सिक्योरिटी की तो ज़रूरत नहीं है, आपस में लोग से मिलना ही तो है। नहीं कह रहा हूँ वो तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं, लेकिन एक जैसे भीड़ भाड़ हो जाए या ज़्यादा लोग आ जाए मिलने, एक रहता ही है कि नहीं महाराणा प्रताप के वंशज जो तो उनसे बिल्कुल मिले हैं, उनसे ऑटोग्राफ भी लें, तो ऐसी चीज़ हुई है बम्बई में एक दो बार में, लेकिन ठीक है लोग आमतौर से तो कहना मानते हैं, भीड़ भाड़ भी हो तो लेकिन मतलब डिसिप्लिन रहता है, तो ऐसे कोई सुरक्षा की तो कोई ऐसे कभी कोई प्रश्न उठा नहीं है। एक मेवाड़ कॉम्प्लेक्स योजना है सरकार की, महती योजना है, जिसमें महाराणा प्रताप से जुड़े स्मारकों के उत्थान को लेकर लगातार प्रयास हो रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ टाइम से जो वो काम भी लगभग ठप पड़े हैं बहुत सारी जगह, और जो स्मारक बने हैं करोड़ों लाखों रुपए के, लेकिन उनका आगे नहीं बढ़ रहा। सरकार के साथ सरकार जो कर रही है महाराणा प्रताप के, लेकिन जैसे मैंने कहा है कि महाराणा प्रताप के लिए कार्यक्रम अलग अलग कार्यक्रम, भले निजी कार्यक्रम हो सरकारी कार्यक्रम हो, घोषणा तो होती है, कार्यक्रम होते हैं, आगे बढ़ते हैं कि नहीं, और ये जो भी हो रहा है वो महाराणा प्रताप के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए हो रहा है कि अब आप समझ सकते हैं। तो अगर तो काले जो है मारनी साहब जन्मगांठ हो, और रणी विषय में मारनी साहब रा भाई टेरी महाराज साहब महाराजा साहब और मारनी साहब रा बहन झालावाड़ राजमाता साहब बैठे उदयपुर पधारिया, तो साथ ही आप आज अठे श्रीनाथ जी रे दर्शन वास्ते भी आप आए, और श्रीनाथ जी रा दर्शन करने तो आनंद वही है, सुखी वही है, शांति महसूस तो वही है। अभी लोकतांत्रिक व्यवस्था है और आप पूर्व राजघराने से हैं, तो अभी लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप चुनाव के माध्यम से इस राजतंत्र में आना चाहेंगे? देखिए लोकतंत्र की बात तो यही है कि लोगों के बीच में रहना, और वो तो हमेशा महाराणा साहब भी हमेशा सब जगह पधारते आ रहे हैं, और मैं भी जहाँ पे भी लोग बुलाए हैं कोई, तो मैं आने में कोई बेझिझक आ जा, और जनता के साथ तो है लेकिन सरकार का हिस्सा बनना चाहेंगे वो, आगे देखें सरकार का हिस्सा बनना है तो देखें लोगों के ऊपर है। लोग तो हर तरह फॉलोवर या चर्चा भी चल रही है वो, लेकिन आपका थोड़ा सा व्यू जानना चाह रहे थे। अब लोगों की तरफ से बात उठे तो लोगों की बात में तो बात तो थोड़ी फिर वो सीरियसली लेनी पड़ती है, लेकिन पहला कदम तो लोगों के ऊपर, लोगों की बात उठे, लोगों को लगे कि करना चाहिए तो फिर सीरियसली बात लें। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मेवाड़ राजघराने के विश्वराज सिंह जी मेवाड़, जिन्होंने जिनकी महाराणा प्रताप जो आदर्श हैं उन परिवार से हैं, और खास बात ये रही कि जैसे विश्वराज जी से हमने बात की तो उसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था में किस तरह से सरकार का हिस्सा क्या वो बनने की इच्छुक है, तो उन्होंने ये सब जनता के ऊपर छोड़ दिया है कि अगर जनता इस तरह के सपोर्ट करेगी और जनता की तरफ से अगर आवाज़ आएगी तो जनता के लिए भी इस ज़रूरत पड़ने पर सरकार का हिस्सा भी बन सकते हैं। कल महारानी साहब का जन्मदिन था, हम सब वहाँ उपस्थित थे समूर बाग में, और आपने इच्छा जाहिर कराई कि मैं श्रीनाथ जी के दर्शन करना चाहती हूँ मेरे परिवार के, तो आपके जो भ्राता हैं टेहरी गढ़वाल महाराज साहब वो पधारे, झालावाड़ राजमाता साहब पधारे, और महाराज कुमार साहब पधारे, युवरानी साहब पधारे, और भाई जी लाल पधारे। जो मेन हाउस है, जो रॉयल हाउस है उदयपुर का, वो आज यहाँ उपस्थित है, और महाराज कुमार साहब विश्वराज सिंह जी, जैसा कि बीच में अपने हुआ है कि कोई और आदमी आके महाराज कुमार लगाता है, वो बिल्कुल गलत है। महाराज कुमार साहब एक ही हैं, और वो हैं महाराज कुमार साहब युवराज साहब विश्वराज सिंह जी, और उनके पत्नी युवरानी साहब दोनों पधारे हैं आज, महारानी साहब पधारे हैं। ये मेवाड़ का मान सम्मान है, और आज मेवाड़ की धरती के लिए आप पधारे हैं कि सुख समृद्धि हो, राष्ट्र उन्नति करे, इसलिए आप पधारे हैं, यहाँ धोक दिया है, और हम सब बहुत आनंदित हैं। सब पूरा नादवारा के क्षेत्र के राजपूत हम इकट्ठे हुए हैं आपका अभिनंदन करने के लिए, और महारानी साहब को जन्मदिन की बधाई देने के लिए। आप जुड़ रहे हैं जयवर्धन न्यूज के साथ, धन्यवाद।
द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5-स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5-स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।